एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं और वक्त नहीं लेना चाहता। लोग कहते हैं कि आप खड़े तो हुए हैं समाज के नाम पे, लेकिन आरोप आप पे ये लगता है कि संघ का हाथ है आपके ऊपर, कि आरएसएस के नेता आते हैं, वो मंच पे बैठते हैं और कोई नहीं आता, बाकी सबको दूर कर देते हैं। अन्ना हजारे हैं लेकिन आरएसएस संघ का हाथ है उनके। हमारे स्टेज पर कोई आरएसएस और कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस या कोई नेशनल कांग्रेस या कोई किसी पक्ष और पार्टी का कोई भी आदमी हमारे स्टेज पर नहीं है। पहले से इनकार किया, अनजाने में कोई आकर बैठ गया तो लोगों ने निकाल दिया उसको, स्टेज पर नहीं सामने बैठो। वो हमारे लोग है, कोई इंग्लैंड से आए नहीं, हमारे लोग है तो सामने बैठो समाज में। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, एक पक्ष के बारे में आंदोलन छेड़ा तो दूसरे पक्ष मेरे विरुद्ध बैठने लगे फोटो निकालने के लिए, ऐसे कई बार होगा। इसलिए इस टाइम पर हम सोचा कि कोई पक्ष पार्टी को स्टेज पर नहीं बिठाना। अभी आरोप करने वाले करते रहेंगे क्यों? जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जो पेड़ वांझ है उसके लिए कौन पत्थर मारेंगे? और खास तौर पर नीम के पेड़ पर इतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पर होते, ये तो प्रकृति का नियम है, तो ये तो होते रहेगा। सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता। जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, खासतौर से युवा पीढ़ी, खत्म करने से पहले आपका उनके लिए क्या संदेश है? क्या उन्होंने आप में एक नया चिन्ह देखा है, आपसे वो प्रेरणा लेते हैं? तमाम लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आपने यह आंदोलन तो खत्म कर दिया, अब अपनी निजी जिंदगी के बारे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मेरा संदेश एक है कि भ्रष्टाचार के बारे में, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, दूसरों को नहीं करने दूंगा। ये हर एक आदमी ने अपने दिल में इस बात को रखना, एक बात है कि मैं भ्रष्टाचार कभी नहीं करूंगा, दूसरों को नहीं करने दूंगा, ये बात इसको। और दूसरी बात है कि मैं जिस गांव में रहता हूँ, मैं कस्बे में रहता हूँ, मैं जिस शहर शहर में रहता हूँ, मेरे पड़ोसों के बारे में सोचूंगा, उनके सुख दुख में मैं सहभागी होगा। ये हर एक आदमी ने सोच लिया तो बहुत बड़ा काम होगा। और युवकों के लिए मेरा संदेश है कि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, मेरी धारणा है। अभी 3 लाख युवकों के साथ अभी अभी मैं संपर्क किया, उनको जगा रहा हूँ। अरे वियतनाम बनाया युवकों ने बनाया, इंडोनेशिया में जो क्रांति की वो युवकों ने की। तो मेरा धारणा है कि एक युवक खड़ा हो गया, मैं एक युवक था 26 साल का, और एक युवक खड़ा हो गया आज देश के लिए कुछ कर पाया। तो मेरे युवकों के लिए ये विनंती है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद रखो, भूलना नहीं कभी उसके लिए। अरे फांसी जा रहे, फांसी का तख्त आग से देख रहे, फिर भी घोषणा चालू थी, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म के फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारे आजादी के लिए। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? तो युवकों के लिए मेरी विनती है उनको याद रखना। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो याद हमारे हृदय के साथ जोड़ना है। ये मेरा भाषण नहीं, मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा, मैं मेरे जीवन में उनको, सब शहीदों को मेरे हृदय के साथ जोड़ा है, और मृत्यु को हथेली लेकर ये बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे देश के लिए। आपने अन्ना जी देश के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस सफर पे आप निकले हैं आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल्सो टू डॉक्टर किरण बेदी एंड अरविंद केजरीवाल फॉर हैविंग प्लेड द रोल दैट यू हैव डन एंड इन शोइंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट यू डोंट जस्ट हैव टू टेक इट फ्रॉम द पॉलिटिशियन, यू कैन गिव इट बैक टू देम। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड बीन अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू हैव द थ्री ऑफ यू फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।